नमस्कार। संगीत एक साधना है। अगर आप संगीत के क्षेत्र में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सब्र का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संगीत तपस्या ही तो है। ऐसा नहीं है कि आपने तपस्या कर ली और माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, वरदान ले लिया और आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह निरंतर जारी रहना चाहिए। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही संगीत साधिका से, डॉक्टर जसमीत कौर। मैडम, आपका एक्सेलसियर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डेली एक्सेलसियर की और राजेश्वर जी की कि मुझे इस पेज पे याद किया गया और बुलाया गया। सो नाइस ऑफ एवरीवन जिन्होंने मुझे बुलाया, थैंक यू। मैडम, आपको संगीत की तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ? मैं तो जानता हूँ कि आपकी मदर भी बहुत अच्छी संगीत साधिका रही हैं, लेकिन दर्शकों के हवाले से ये पूछना ज़रूरी समझता हूँ। एक्चुअली मुझे रुझान मैं नहीं कह सकती हूँ, मेरे ब्लड में ही म्यूज़िक है, क्योंकि घर से मुझे विरासत में म्यूज़िक मिला। मेरे जो नाना जी थे, मैटरनल, मेरे ग्रैंडफादर, वो रागी थे और वो रागों में, क्योंकि गुरबानी जो है पूरी रागों पर आधारित है, तो वो रागों पे ही कीर्तन किया करते थे। वो उनको मैंने सुना है, मेरे होश में होते हुए मैंने उनको सुना है, तो पक्के रागों में उनके जो, क्योंकि ध्रुपदीय पे थे, ध्रुपद भी गाते थे और तबला बहुत अच्छा प्ले करते थे रागी स्वरूप सिंह जी। फिर उसके बाद मेरे जो पूरी मम्मी की जो फैमिली है वो पूरी म्यूजिशियन, सब कोई वायलिन बजाता है, कोई सितार बजाता है, तो कोई गाता है, मतलब ऐसे ही। अब तो मैक्सिमम लोग नहीं हैं, लेकिन वो सब लोग म्यूज़िक में ही थे, मतलब जॉब्स में थे, साथ में म्यूज़िक करते थे। तो घर में मुझे जो माहौल शुरू से मिला वो संगीत का ही मिला। मुझे याद है मुझे एक चैलेंज दिया जाता था कि ये वाला गाना नया आया है लता का, तो तुम गा के सुनाओ। अच्छा। तो वो एक चैलेंज होता था घर में कि मुझे वो गाना तैयार करके उनको सुनाना है, और टफ चैलेंज दिया जाता था। तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई संगीत में। और मम्मी को भी देखा बचपन से गाते हुए, वो भी ग्रेडेड आर्टिस्ट थे और अच्छा नाम उनका है संगीत में, J&K में और बाहर भी, और बाहर भी उन्होंने कॉन्सर्ट्स किए हैं। तो उस लिहाज से मैं लकी रही हूँ कि मुझे घर में ही ऐसा माहौल मिला जी। तो पहली गुरु आप किसको समझती हैं? माँ जी को। मेरी मम्मी मेरी फर्स्ट गुरु हैं। तो इंस्पिरेशन नाना जी से? हाँ, इंस्पिरेशन वो फैमिली इनहेरिटेड है सारा कुछ। जी। ठीक जी। तो विधिवत तौर पे आपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कहाँ से सीखना आरम्भ किया? मैंने एक्चुअली बचपन में, सिक्स में थी मैं, तो फोर्थ में थी तब ये J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस का कंपटीशन होता है, आज भी होता है वो। तो उसमें एक मुझे याद है मम्मी ने एक राजस्थानी गीत मुझे तैयार करवाया था। अच्छा। वो मैंने अपना, मतलब जो इनहेरिटेड टैलेंट है उसके ज़रिए मम्मी ने तैयार करवा के मैंने गा दिया, तो उसमें फर्स्ट प्राइज आया। फिर वो बूस्ट हो जाता है ना, तो फिर धीरे धीरे वो करते करते सिक्स में पहुंची, तो मम्मी ने विधिवत मुझे याद है मुझे भैरव की एक बंदिश सिखाई। अच्छा। फिर मैंने रियाज, मुझे ये भी इंस्पायर किया कि रियाज करना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है बच्चा तो चंचल होता है, तो मैं उठ के भाग जाती थी। पढ़ाई का भी, हाँ, पढ़ाई का भी प्रेशर और खेलना भी है। मैं भाग जाती थी, तो मेरे पापा भी पोइट हैं वो। अच्छा। सरदार जनक सिंह जी, तो वो क्योंकि आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट इकट्ठे हुए थे, तो पापा ने एक बार मुझे बोला कि तुम तो बैठती नहीं हो, रियाज ही नहीं करती हो, तो तुम क्या कलाकार बनोगी? तुम तो बोलती हो मैंने सिंगर बनना है, तो कैसे? इसके लिए तो पहले बैठक चाहिए, तो बैठती ही नहीं हो। तो बस वो दिन, और फिर उसके बाद मैंने भागने की कोशिश नहीं की, धीरे धीरे वो शुरू हो गया। तो इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ, इंटरेस्ट भी बनता चला गया। एक्चुअली उन दिनों क्या था कि मेरे बचपन की जो मैं बात आपको सुनाऊं, तो उन दिनों कॉन्सर्ट्स होती थी, रेडियो कॉन्सर्ट्स होती थी। मुझे याद है शिव जी को भी मैंने, अभिनव थिएटर नया नया बना था तब शिव जी आए थे, पंडित शिव शर्मा जी, शिव कुमार हमारे सरताज हैं जो, तो वो यहाँ आए थे पंडित शिव कुमार शर्मा जी यहाँ, तो उनको मम्मी सुनवाने ले गई थी रात को 8 बजे की, 9 बजे शायद, 6 बजे शुरू होके 9-10 बजे तक वो कॉन्सर्ट चली थी, तो वो मैंने वहाँ देखी हुई है। फिर उसके अलावा बहुत बड़े बड़े ध्रुपद के कलाकार, फिर ठुमरी के कलाकार, ख्याल के कलाकार, गज़लों के कलाकार, अलग अलग जो बाहर से हिंदुस्तान पूरे से अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ परफॉर्म करने आते थे, तो वो जो होता है ना, एक माहौल देना, साथ में
एक इंस्पिरेशन भी देते रहना देखिए कितनी बड़ी बात है। एक तो परफॉर्मेंस के लिए बड़े बड़े बाहर से कलाकार आ रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल लेकिन लोकल टैलेंट को इंस्पायर भी कर रहे हैं बिल्कुल, कि वो भी वो इसी दिशा की तरफ आगे बढ़ने हाँ, लगते हैं। मतलब आपको दिखाया जा रहा है कि वो कैसे उठते हैं, वो कैसे बैठते हैं, उनका कैसे वो प्रेजेंट करते हैं, लाइफ स्टाइल कैसे। तो इस तरीके से मेरा मतलब जर्नी जो है वो इस तरीके से एक ट्रैक पे चलना शुरू हो सार्थक दिशा मिल गई आपको बचपन से जी, बचपन से जी। तो उसके बाद आपने पंडित साजिन जी, उसके बाद मम्मी के क्लीग थे यहाँ पे, पंडित पीएन राणा जी यहीं थे, तो मैं उनसे सीखती रही, एक 7-8 साल उनसे सीखा मैंने, और उन्होंने बहुत मेरे पे मेहनत भी की। फिर उसके बाद मैंने एमए किया, तो फिर उसके बाद मैं गई दिल्ली। अच्छा। अपने गुरुजी के पास पंडित राजन साजन मिश्रा उनके पास सीखने गई, 94 की बात है। अच्छा। तो मैं फिर उनसे सीखना शुरू किया, तो बीच में गुरुजी को लगा कि नहीं थोड़ा सा ठुमरी का भी तुम सीखो मेरे मतलब दादाजी से। अच्छा। गुरुजी के पिताजी से। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया। अच्छा। तो मैं इस बनारस, बनारस। अच्छा। फिर मैं बनारस जाके रही। बनारस बहुत पॉपुलर है संगीत के जी 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 बनारस एक्चुअली बनारस ऐसी जगह है, हब है, हब है। बनारस बहुत पुरानी, हमारे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी नगरी काशी है, काशी है, और लोग वहाँ अपना अंतिम समय जो है वो वहाँ गुजारने जाते हैं। मुझे याद है बब्बा, मतलब मैं ऑफ द ट्रैक जा रही हूँ शायद, लेकिन थोड़ा सा मैं करूँगी डिस्कस कि जो मेरे दादाजी थे उनको हम बब्बा बोलते थे। तो बब्बा को गुरुजी बोलते थे कि आप दिल्ली आ जाइए, तो वो कहते थे मैं दिल्ली नहीं आऊँगा। लोग पूरा उम्र गुजार के लास्ट अपना बनारस में गुजारते हैं, तो मैं अपना लास्ट जो है मैं बनारस छोड़ के कैसे चला जाऊं। बनारस में क्या एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है? बनारस में एक बार मैं कुछ एक दो बार मेरी ऐसे मौका मिला तो मैं बाहर निकली शाम के टाइम, कोई 5:30-6 के टाइम। बाबा ने ही बोला कि मेरे गुरु भाई थे उनको बोला कि इसको ज़रा घुमा के लाओ बनारस। तो मैं निकली तो हर घर से, आप मानेंगे नहीं, हर घर से कहीं से सितार की आवाज़ आ रही है। अच्छा। कहीं से ऐसा लग रहा है कि कोई कथक या कुछ डांस की, हाँ, घुंघरू की आवाज़ आ रही है, कोई गाने की आवाज़ आ रही है, कोई संतूर की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई तबले की प्रैक्टिस कर रहा है। हर एक घर में आपको वो, मतलब गली में ऐसा लग रहा था संगीत ही है बस। वो कबीर चोरा वहाँ पे वो रहते हैं, वो तो ऐसे लगता है कि कबीर चोरा पूरा बनारस पूरा ही संगीतिक ही है, वो संगीतमय है। शायद हमारी इंडियन जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट जितने अच्छी तरह बनारस करता है, तो वो कहने की बात है। बहुत मतलब वो बहुत बहुत शहर को। जी 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 बहुत आशीर्वाद है, और एक से एक कलाकार है वहाँ। आपने बनारस घराने में सीखा? जी जी बनारस इसमें घराने रहते हैं जी 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 मैं बनारस घराना, क्योंकि पंडित पी एन राणा जी से मैं पटियाला घराना था उनका। अच्छा। फिर मैंने चेंज करके मैं बनारस घराने में शिफ्ट हुई, तो उनसे फिर मैंने गुरुजी से सीखना शुरू किया। क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ आप सुगम संगीत भी गाती हैं? मैं क्लासिकल, हाँ जी हाँ जी, लाइट म्यूजिक, भगवान की सब सब गाती हूँ, ऊपर वाले की देन है जो गा पाती हूँ। क्योंकि गाना बजाना, हम ये कहें कि हम गाते हैं ऐसा नहीं होता है, अदृश्य शक्ति ऐसी ये होती है जो बिल्कुल, ये आपको एक तो जनरेशंस, और आपको मेरे गुरुजी को कई बार इस बात पे बात करती हूँ तो वो बोलते हैं ये बात कि एक जन्म काफ़ी नहीं है इसके लिए, इसके लिए तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, तब ये जाके इसका जो असल रूप है वो सामने आता है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आर्ट में परफेक्शन नाम की चीज नहीं होती, नहीं होती बिल्कुल, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। इसलिए रियाज को कहा जाता है कि परमानेंट रहना चाहिए। जी जी जी, रियाज मतलब वो आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। अच्छा। दैट शुड बी योर लाइफस्टाइल। अगर आपने संगीत ऑप्ट किया है तो संगीत ऑप्ट करने का मतलब पब्लिसिटी नहीं है, संगीत ऑप्ट शांति मिलनी चाहिए आपको। वो आपको आपको कहाँ तक वो संतुष्ट करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब तक खुद को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है किस हद तक आपकी मदद करता है, लाइट म्यूजिक गाने में या भक्ति संगीत गाने में, फोक गाने में? बहुत अच्छा ये मैं आपको सच में बताऊँ तो मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कभी नहीं सोचा था कि मैं गाऊंगी इंडियन क्लासिकल गाऊंगी पब्लिकली। मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया था क्योंकि मेरी मदर मुझे बोलती थी कि तुम अगर अच्छा क्लासिकल गाओगी तो तुम्हारा लाइट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने लाइट गाना रेडी, हाँ, सब जगह तुम्हारी जो पकड़ पक्की हो जाएगी।
तो मैंने वो शुरू किया, लेकिन वो फिर ऐसा तांता लगा, वो ऐसा उसका ताना बाना पैशन हो ऐसा, जाता है उसकी हाँ, तरह कि ना। वो मेरा पैशन हो गया। नहीं मतलब, और उसमें जो आपको जो आत्मिक जो रूह जो आपकी शांत और खुश होती है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर हालांकि सकते। कितना टफ है, बहुत टफ बहुत है, टफ है, लेकिन आदमी उसमें रच बस जाता है, फिर बिल्कुल। रियाज करते इसमें करते। टफ सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें आपको अपने आप को मिटा के चलना है, आपको मिटना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। आप ये सोच लें कि मैं बड़ा रियाज, मेरा वो हो गया, तो मेरे को अभी तक मिला नहीं कुछ, तो मिलने के लिए तो वो ऊपर वाला बैठा है वो। रियाज भी हाँ परफेक्ट होना चाहिए, हाँ उसके लिए गुरु बहुत मैटर हाँ करते हैं। इसमें तो तीन चीज़ें जो संगीत में वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके क्लासिकल में, आपका अपना टैलेंट फर्स्ट, देन आपका गुरु, फिर आपकी लक है जी ना। तो वो तीन चीज़ें अगर हो मिल जाएं, तो मतलब गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके पास टैलेंट कम भी होगा, उस गुरु को मालूम है कैसे आपको तराशना है। वो बिल्कुल, तराश जब आपको तराशेंगे तो आपको वो शेप मिलती जाएगी वैसी आपको। शेप देंगे जो वो दे ही जानी चाहिए ना। हाँ, जो एक्चुअल आपको शेप, फिर एक टाइम आता है कि आप परिपक्व होते हो जब, तो आप फिर अपनी अपने ट्रैक्स खुद ढूंढते हो। बिल्कुल, उस लेवल तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, जी, उसके लिए प्रिजर्वेंस, आपकी पेशेंस चाहिए। पेशेंस, आप में वो है, आप में दम, तो वो रुक रुक पाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। कहा जाता है कि जब तक गुरु ये नहीं समझ लेते कि मेरा शिष्य हो जाए, शिष्या जो भी हैं वो परफॉर्म करने के काबिल हो चुकी जी हैं, जी जी तब तक वो अलो ही नहीं करते। बिल्कुल, क्योंकि एक बार आपने एग्जिबिट कर दिया अपना पोटेंशियल, जी तो जी उसके बाद आपकी एक इमेज बन जाती है, जी हाँ तो पहली ही परफॉर्मेंस से आपको दिखाना है कि मैं परिपक्व हो चुकी हूँ। इसीलिए शायद गुरु जी तब तक अलो ही नहीं करते नहीं थे। करते, नहीं करते। आज भी, आज की डेट में भी, मतलब मैं तो आपको बोलूँगी, मम्मी मेरी फर्स्ट गुरु रही, तो मम्मी अब नहीं है, वो 2019 में चलेगी, लेकिन उनके एंड तक मैं उनके सामने जब भी गाती रही तो मुझे डर ही रहता था कि अभी बोलेंगी ये तूने थे सुर तेरा गलत हो थोड़ा गलत गया हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो मतलब वो जो चीज़ है वो मैं डरती रही। अब उसके बाद मैं गुरुजी से सीखने गई, तो वहाँ तो लेवल ही अलग है बिल्कुल। तो वो उन्होंने काफ़ी देर तक, उन्होंने, ये उनकी भी बहुत बड़ा बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, अच्छा, एक टाइम दिया, नहीं बहुत बड़ा नाम है उनके नाम लिए, है, और वक्त की कमी रहती होगी उनके बहुत उनके पास। पास, उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम नहीं दिया, बहुत मतलब दो दो तीन तीन घंटे सुबह, चार चार पाँच पाँच घंटे शाम को, इस अच्छा, तरीके से मेरे पे डिवोट किया हुआ टाइम। और एक टाइम वो भी दिया, और एक टाइम ये भी दिया है कि हाँ तुम समझो, क्योंकि मैं एक घराने से दूसरे घराने को समझ रही थी, जी दोनों घरानों की पटियाला गायकी घराने से आप अडॉप्ट कर रही अडॉप्ट थी कर रही थी बनारस की तरफ, बनारस। है ना तो वो स्विच ओवर जो था वो मुश्किल था जी? मेरे लिए, बिल्कुल अलग तरीका था वो गाने का। बिल्कुल, तो 2-3 साल तो इसी में चले गए, मैं जाती थी, सीखती थी, आ जाती थी ब्लैंक होके। और इस चीज़ को उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि तुम, हम समझ सकते हैं कि तुम चली जाती हो तब तक ब्लैंक हो जाता है। मैंने कहा जी गुरुजी ऐसे ही होता है। तो वो, लेकिन इसमें एक संगीत में एक बोलते हैं कि शास्त्रीय संगीत में 36 साल लेके चलते हैं, थर्टी अच्छा, सिक्स ईयर्स 36 एक अपने आप में उम्र है। एक उम्र है ना, 36 ईयर्स लेके चलते हैं, तो 36 ईयर्स मीन्स समथिंग। थर्टी आप सिक्स के बाद थोड़ी सी उतना परफेक्शन। पेशेंस, आप में उतना पेशेंस है, 36 ईयर्स दे सकते हैं आप। फिर उसके बाद आज का डेट जो है ना, आज तो फास्ट भाग रही है दुनिया, तो कम हो गया, 33 हो गया। अब लोगों ने बना दिया इसको 15 या 16 ईयर्स, जो कि कुछ भी नहीं है। तो अब तो लोग ऐसे आते हैं पूछने कि मैम हमने सीखना है, हम कितनी देर में गाना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब वो चाहते हैं इंस्टेंट, अब इंस्टेंट दे, क्लासिकल तो आप इंस्टेंट नहीं दे सकते। ऐसे लेकिन इंस्टेंट आ रहे ना मैडम, पता क्या बात, जैसे आप 36 बोल रहे हैं, 36 ईयर, 15 ईयर्स आप पहुंच गए, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस से जो बच्चे नौजवान आजकल जिनको शौक है बहुत ज़्यादा संगीत की तरफ, और ग्लैमर के कारण संगीत की दुनिया में कदम रखते हैं कि उनको वीडियोज़ भी चाहिए साथ में, है बिल्कुल ना, वो जैसे आप 36 ईयर्स बोल रहे हैं, वो 36 या 15 टेक दे के स्टूडियो में नया गाना बना लेते वो हैं, ठीक हिट भी है, हो वो जाता ठीक है। है बात, वो मैं मानती हूँ। लेकिन क्या वो संगीत है, नहीं क्योंकि नहीं आप लगातार लेकिन वन वो ऑफ द बेस्ट लाइन आप उठाते 36 ये देखिए, टेक के आपने बाद। ये देखिए कितनी अच्छी बात की कि
आप वो टेक लेके गाना गा रहे हैं, ठीक है वो बात, लेकिन क्या वो गाना आपको कहीं छू रहा है अंदर तक जाके? कैसे छूएगा वो, तो सिर्फ उनको हिट होना किसी तो तरह। बस वो जो छूने वाला गाना है वो तो तभी पॉसिबल है जब आप उसको टाइम देंगे। टाइम देंगे, जब तक आप उसको टाइम नहीं देंगे आप कैसे चाह रहे हैं कि आपको रिजल्ट्स मिल जाए? रिजल्ट्स तो तभी पॉसिबल है जब वो जितना उसको रिक्वायर्ड टाइम मिल जाए, इतना उसका रिक्वायर्ड टाइम मतलब शिक्षा तो चाहिए, हाँ, संगीत की शिक्षा जब तो चाहिए। जब तक वो आपको गुरु ना मिले, जब तक वो आपको आप में वो साधना का वो जो जिसको बोलते हैं ना एक महत्वाकांक्षा मतलब एक अंदर आपको से पैसे जुनून चाहिए। हाँ, आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि मैं मतलब मुझे संगीत करना अपने लिए, मुझे अच्छा सुनना है खुद को, पहले मुझे खुद अपने को लिए संगीत हाँ होना चाहिए, फिर आपने बाद में खुद परोसो दूसरों को। आपने आप खुद को अच्छा लगाना शुरू हो जाओ। आप दूसरों को अच्छा लगाने की जरूरत ही नहीं, आपके पास खुद ही खुद सब कुछ होना शुरू हो तो कहा जा जाएगा। सकता है कि म्यूजिक अरेंजर जी एक गाने के लिए तो आपकी मदद कर सकता है, हाँ, लेकिन उसके बाद वो नहीं 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 मददगार कर, साबित हो और सकता। ये क्या है, दुनिया भी गोल है, इसी तरीके से वक्त भी अपने आप को रिपीट करता है। बिल्कुल, ये सब कितनी देर चलेगा, 1, 2, 3, कितने 10 साल, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपके जो रूट्स हैं उस पे आप आएंगे, बिल्कुल। आप तब ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलेंगे लोग, आप उस समय इन लोगों को ढूंढेंगे जिन लोगों के पास ये सब चीज़ें हैं, वो लोग मिलेंगे नहीं आपको। आज वो लोग हैं आपको दे रहे हैं, तो उस चीज़ की कदर अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर आप नुकसान में हैं, कोई नहीं, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चीज़ फॉरनर्स लेके जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी चीज़ें उनको मिल वो रही हैं, अडॉप्ट कर योगा रहे वो ले हैं। रहे हैं, बिल्कुल, संस्कृत वो ले गए, तो योगा संगीत वो ले गए। कहा जाता है कि संगीत अपने आप में योग है। बिल्कुल, मैं बनारस में रही, मैं आपको बनारस की ही बात बताती हूँ। वहाँ मतलब मेरे गुरुजी के फैमिली है पूरी कबीरचोरा में, उनकी पूरे रिश्तेदार वहाँ हैं, तो वहाँ मैंने मैक्सिमम फॉरनर्स को देखा सीखते हुए। अच्छा, तो मतलब फॉरनर्स दे आर, उनको सबको पता चल रहा है कि ये काशी है, काशी में इस तरीके से है, तो हमें डेडिकेशन के साथ यहाँ, आते हैं। और वो पूरा वो जो नॉर्म्स हैं जो आपको मतलब संगीत सीखने के लिए एक विनम्रता, फिर आपको कुछ नॉर्म्स हैं, सिटिंग ये शासन, पोस्चर्स ये सिटिंग है ना सब। पोस्चर्स, हालांकि वो लोग पैर मोड़ के बैठ नहीं सकते हैं लेकिन वो आदत डालते हैं अपने आप को, ये तो बड़ी बात है ना। तो बिल्कुल, हमारे जो हमारी जनरेशन ये सबसे ज़्यादा कर सकती है जबकि वो कर ही नहीं रही है। तो वो करना जब तक हमारी जनरेशन शुरू नहीं करेगी तो हम लॉस में हैं एक्चुअली। हमारी चीज़ बाहर चली जाएगी, बाहर से फिर हमें लेके आना पड़ेगी। ये सोने की चिड़िया हमारा भारत देश, ये इसी से सोने की चिड़िया है। कब तक कहते रहेंगे कि सोना बाहर चला गया? अभी नहीं, अब हमें सहेज कर हमने तो रखना चाहिए। हाँ, हमें तो कोशिश करनी है। बिल्कुल, मतलब हम ही लोगों ने, देखिए संगीत, शास्त्रीय संगीत की मैं बात करूँगी, ठीक है सब कुछ हो, एक्सपेरिमेंट्स ज़रूरी, बहुत ज़रूरी हैं, फ्यूजन हो रहा है सब को, लेकिन रैप बेस भी आ रहना रहा है सब कुछ, चाहिए। लेकिन आपकी सबसे इम्पोर्टेंट धरोहर जो है आपके पास वो शास्त्रीय संगीत है। हमारे पास ध्रुपद है, हमारे पास ख्याल है, हमारे पास ठुमरी है, टप्पा है, सब कुछ है। हम उसको जब तक संजोएंगे नहीं तो हम ही लॉस में रहेंगे, कोई लॉस में नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन इसको पे करेंगी। उनको ये पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से गायकी का ढंग कैसे है, गायकी कैसे चलती है, बिल्कुल, किस तरीके से स्कूल कॉलेजेस में, मैं जैसे मैं आप भी एचओडी भी जैसे हाँ हैं, मैं वहाँ पर जैसे कैसा पढ़ाती रुझान है हूँ, बच्चों की तरह, बच्चों का रुझान कैसा है बच्चों संगीत का की तरफ? रुझान है, लेकिन वही ना मीडिया और इस वक्त जो सोशल जो सोशल साइट्स साइट्स हैं जो हैं। वो इतनी हावी हैं बच्चों पे भी कि इंप्रेशन में आ जाते हैं। एक उनको हालांकि हम लोग क्लास में समझाते हैं बच्चों ये तुम 2 साल, जैसे पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चे भी आते हैं, 3 साल के यूजी लेवल के आते हैं अंडर ग्रेजुएट, तो उनको हम कहते हैं कि जितनी देर आए हो, जितनी जो जो क्लासेस होती हो उसमें ग्रहण रेगुलर कर आओ, लो। हाँ हाँ, बिल्कुल और उसको आत्मसात करने की कोशिश करो जितना भी मिल रहा है। बिल्कुल, तो इसको ये तुम्हें अपनी एक डायरेक्शन देगा ताकि तुम इस डायरेक्शन में चलो और कुछ अचीव कर सको। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बच्चे सीरियस रहते हैं, फिर उसके बाद फिर से उनका ट्रैक जो है वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है गुरु शिष्य परंपरा, ये सब जो है, ये गवर्नमेंट भी कुछ करे इसके लिए। हम स्कूल कॉलेजेस में, जैसे मैं जिस कॉलेज में हूँ, तो हम अपना बेस्ट देते हैं इसके बिल्कुल लिए कि बच्चे हमारे पास, हम उनको संगीत के साथ साथ वो संगीत के जो नॉर्म्स हैं, संगीत के जो कुछ अदब कायदे हैं वो भी सिखाएं, बेसिक्स। हाँ हाँ देते हैं। बेसिक्स हैं, हाँ
क्योंकि संगीत ऐसी चीज़ है वो इंसान को इंसान बना देती है। सही बात। संगीत सिर्फ संगीत नहीं करता इंसान, संगीत योगा है। हाँ, या संगीत आत्मसात करने की बिल्कुल, बात बिल्कुल, होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो संगीत करने वाला जो है वो खुद में अपने आप को डिसिप्लिन कर देता है। एक डिसिप्लिन जब वो फॉलो करता है तो वो जो भी करेगा वो उस डिसिप्लिन को फॉलो करते करते अपनी लाइफ का एक डायरेक्शन उसको मिल जाती है, एक लाइफ जीने का तरीका मिल जाता है। तो संगीत साउथ में आज के दिन में भी अगर शादी कहते हैं होती है तो लड़की के लिए पूछा जाता है इसको संगीत आता आता है कि नहीं आता। कि नहीं आता है। तो मतलब उसके पीछे रीज़न यही होगा शायद, कि यही नहीं रीज़न नहीं होगा। यकीनन, हाँ यकीनन यही यही रीज़न रीज़न होगा होगा, कि संगीत वाले ने सुबह उठना ही है, संगीत वाले ने अपना एक उसका एक रूटीन दिनचर्या होगी, जो उसकी इसकी है। दिनचर्या। आज का बच्चा जो है रात को 12-1 बजे तक सोशल साइट्स पे है और उसके बाद उसकी नींद ही नहीं खुलती है। ये एक बेसिक उसका मतलब, क्योंकि उसको नींद भी पूरी नींद तो चाहिए, चाहिए, तो वो तो अपने आप डिसिप्लिन नहीं रहता। को इनडिसिप्लिन क्रिएट हो गया। तो हम अपने कल्चर से जब तक नहीं जुड़ेंगे हम दूसरों को कुछ नहीं कह सकते, हम अपने आप को ही कहें तो वो बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने कहा कि हमें अपने कल्चर से जुड़ना चाहिए, यही बिल्कुल हमारा अस्तित्व भी है। बिल्कुल, यही हमारा अस्तित्व है, तो हम हमारी अपनी सांस्कृतिक, पहचान है, जी बिल्कुल, हमारी पहचान है। हम मैं अगर कल को बाहर जाती हूँ तो मुझे पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, तो बिल्कुल मैं क्या बोलूँगी, मैं बिल्कुल इंडिया से आई हूँ। तो मैं अपने इंडिया का क्या लेके साथ में जा रही हूँ, रिप्रेजेंट तो करना मैं है अपने इंडिया को कल्चर को। रिप्रेजेंट करती हूँ। बिल्कुल, मैं पूरी तरह रिप्रेजेंट करती हूँ बिल्कुल और प्राउड इंडियंस हैं हम लोग, क्योंकि हमारा इंडिया भरा हुआ है, बिल्कुल टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट भरा हुआ टैलेंट है। लेकिन उस टैलेंट को ठीक डायरेक्शन में, ठीक उसको इन छोटी छोटी चीज़ों में ना पड़ के अपने आप को शॉर्टकट्स ना अपनाए जाए तो अच्छी शॉर्टकट्स ना बात। अपना के, यही बेस्ट विशेस सबके लिए हैं कि जो भी संगीत कर रहे हैं वो संगीत को एक अच्छी डायरेक्शन में, मीनिंगफुल अच्छे संगीत होना मीनिंगफुल चाहिए, रूह को लगने वाला संगीत हो, ना कि ऐसे शॉर्ट लिव्ड संगीत हो। बिल्कुल पुराने गाने सुनते हैं तो आज भी हमें सदाबहार 10 बार कहते भी सुनते हैं तो हैं। वैसे, क्योंकि क्लासिकल बेस्ड है, क्लासिकल को छोटे रूप में ले आए हैं लेकिन उसको उसके ऊपर मेहनत हुई है, बिल्कुल उसके ऊपर ये ऐसे नहीं कि एक कट यहाँ से लिया था दूसरा कट यहाँ नहीं, से, तब तो नहीं कंटिन्यूसली वो है ना, चलता था, लाइव वही। रिकॉर्डिंग होती थी, जी 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 तो वही वही तभी तो वो सदाबहार कर सदा गाए बाहर, गए। क्योंकि उसमें मेहनत हुई, उसको टाइम दिया गया, क्योंकि वो जो रिक्वायर्ड टाइम था वो उनको उसको मिला है। बिल्कुल। तो इस तरीके से तो उम्मीद करेंगे मैम कि जैसे आपने कहा कि जितना टाइम देना चाहिए संगीत को जी, उतना अगर संगीत सीखने वाले दें तो अपने लिए सार्थक भविष्य भी निर्धारित कर सकेंगे। अपने आप आपको रास्ता बिल्कुल अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा कि यही मेरा रास्ता है, और आपको जब रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यही मेरे को इसी रास्ते पे चलना है, बिल्कुल भगवान ने मुझे इसी के लिए भेजा है, क्योंकि भगवान ने तो सबको किसी न किसी चीज़ के लिए भेजा है, वो समझने की तो जरूरत वो है। आपको अंडरस्टैंड करना है। तो आप अपनी रूट से जुड़ के उसको ज़्यादा बेहतरी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और संगीत तो बेसिकली संगीत एक साधना है, संगीत कोई कंपटीशन नहीं है, संगीत किसी से प्रतिस्पर्धा आपने नहीं करनी है, संगीत आपने सिर्फ अपने एक अपने लिए एक अपने आप को रूह को गिज़ा देनी है, दूसरों को अपने आप मिल जाएगी, जब अपने आप को आप देंगे तो दूसरों को मिलना शुरू हो जाएगी। एक्सचेंज स्टूडियोज में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अस्तित्व भाषा संस्कृति विरासत के इस अंक में आपने बातचीत सुनी डॉक्टर जसमीत कौर जी से। उन्होंने साफ साफ कहा कि संगीत असल में अपने आप को गिजा देने की बात है, और अगर आप ये कर पाते हैं तो दूसरों को वही परोसेंगे जो वाकई आपकी सांस्कृतिक विरासत को रिप्रेजेंट करती है, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है क्योंकि हमारा अस्तित्व इसी पर टिका हुआ है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।